स्वागत है जी तुहाडा मेरे अपने चैनल पंजाब लव्स किचन ते। अज मैं शेयर करन लगी हाँ बहुत ही आसान ते नवे तरीके नाल समोसा रोल बनाउन दी रैसपी। ये आपां नाश्ते दी रैसपी तुहाडे नाल शेयर करन लगे हाँ जो कि असी कणक दे आटे तो बना के तैयार करांगे। ये समोसा रोल बहुत ही क्रिस्पी ते टेस्टी बन के तैयार हुंदा है ते बनाउणा शुरू करदे हाँ। सब तो पहला असी आटा गुन के तैयार करांगे। इत्थे मैं एक कौली पूरी भर के कणक दा आटा लिया है। इस दे विच दो चमच सूजी दे पावांगे। इस नाल जिहड़ा अपना नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होएगा ते थोड़ा जिहा इहदे विच असी नमक दा पा लांगे। अद्धा चमच इस दे विच अजवैन दा पावांगे। अजवैन नूं रगड़ के पावांगे। अजवैन पाचन दा काम करदी है ते इस दा जिहड़ी खुशबू ते टेस्ट भी बहुत वधिया आउंदा है ते थोड़ा जिहा बरीक कट्टिया होया हरा धनिया इस दे विच पा लांगे ते एक चमच असी इस दे विच तेल दा पा लांगे। ये चंगी तरह हुण सारियां चीज़ां नूं असी आटे दे विच मिक्स कर लांगे मिला लांगे। जेकर तुसी मेरे चैनल ते पहली बार आए हो चैनल नूं हाले तक सबसक्राइब नहीं किया ते प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो ते नाल तुसी वीडियो नूं लाइक भी कर दिया करो। तुहाडे एक लाइक करन नाल साडा हौसला वधदा है। आटे नूं चंगी तरह असी मिक्स कर लिया। एक कौली लवांगे। इस दे विच तीन चमच दे करीब असी सुक्का आटा अलग रख लांगे। हुण जो आटा बचिया इस दे विच थोड़ा थोड़ा पानी पा के असी इस आटे नूं गुन्न के तैयार कर लांगे। ये आटा असी चिकना नहीं गुन्नांगे थोड़ा सख्त ही गुन्नांगे। आम जिस तरह असी रोटी बनाउने आ उस नालों आटा असी थोड़ा सख्त ही रखांगे ते ये आटा गुन्न के मैं तैयार कर लिया ते इहनूं असी हुण 5 मिनट वास्ते रैसट ते रख देंगे। इत्थे दो मैं मीडियम साइज़ दे उबाले हुए आलू लाए ने। इन्हां नूं असी कद्दूकस कर लांगे। हाथ नाल भी इन्हां आलूआं नूं तुसी मैश कर सकदे हो पर इस दे विच मोटा पीस आलू दा नहीं होना चाहिए। दोनों आलूआं नूं मैं कद्दूकस कर लिया। एक छोटे साइज़ दा असी प्याज लिया इहनूं बरीक दे विच मैं कट लिया। 3 तों 4 चमच टमाटर दे लवांगे। टमाटर दा जो बीज वाला हिस्सा होवेगा वह असी नहीं पाउणा इस दे विच ते 2 बरीक कट्टियां हरियां मिर्चां दा पावांगे। अद्धा चमच असी इस दे विच जीरा पाउडर पावांगे भुन्निया होया। अद्धा चमच इस दे विच आमचूर पाउडर ते अद्धा चमच असी इस दे विच नमक दा पा लांगे ते अद्धा चमच असी इस दे विच गर्म मसाले दा पावांगे ते बरीक कट्टिया होया हरा धनिया पा के ये सारे मसालियां नूं चंगी तरह आलू दे विच असी मिला लांगे। मसाले तुसी अपने टेस्ट अकॉर्डिंग पा सकदे हो। ये जिहड़ा अपना मसाला होएगा बहुत ही चटपटा ते करारा बन के तैयार होया। सुक्का आटा जिहड़ा असी अलग कौली दे विच रखिया सी उस दे विच थोड़ा जिहा हल्दी दा पा लांगे ते थोड़ी जी कुट्टी लाल मिर्च दा पा लांगे ते इस दे विच असी पानी पा के इस दा एक घोल तैयार कर लांगे। पतला घोल असी बना के तैयार करना है। मिर्च पाउण नाल इस दा जिहड़ा करारा टेस्ट बहुत वधिया आएगा। करारे अपने जिहड़े रोल बन के तैयार होणगे इस तरीके अपने जिहड़े घोल होना चाहिए पतला। आटे नूं असी हुण फिर एक वारी चंगी तरह थोड़ा जिहा मसल लांगे। इस आटे दे असी 2 हिस्से कर लांगे। इस दा असी रोल करके पेड़ा बना के तैयार कर लांगे। दूसरा भी पेड़ा असी इसे तरीके नाल बना के तैयार कर लांगे। हुण असी पेड़े नूं सुक्का आटा लगा के ते इस दी एक रोटी वेल के तैयार कर लांगे। जिस तरह आम असी सिंपल रोटी वेलदे हां बिल्कुल उन्नी पतली असी ये रोटी रखांगे। थोड़ा जिहा सुक्का आटा लगा के ते चंगी तरह इस नूं रोटी नूं असी वेल लांगे। ये आटा जिहड़ा अपना थोड़ा सख्त है। सख्ती होना बहुत जरूरी फिर ही कुरकुरे बनणगे अपने जिहड़े समोसे रोल ते इन्नी रोटी अपनी पतली होनी चाहिए। हुण मैं इहनूं एक अलग प्लेट दे विच रख लांगी। दूसरी रोटी भी असी इसे तरीके नाल बना के तैयार कर लांगे। हुण जो असी मसाला बना के रखिया सी ये रोटी दे उपर रखांगे ते चंगी तरह फोर्क दे नाल असी इहनूं फुला देंगे। रोटी दे 1/2 इंच असी किनारे छड्ड देंगे विचकार असी लगावांगे ताकि जिहड़े अपने आलू की स्टफिंग है वह विचों बाहर ना निकले ते दूसरी रोटी असी इस दे उपर रख देंगे ते साइडां तो असी इस तरीके दबा देंगे चंगी तरह बंद कर लांगे।
ਅਤੇ ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੇਲ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਸਾਲਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌਰਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਟ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਪੀਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੱਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੀਸ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਫੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਫੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦਬਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਲ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਮੈਂ ਪਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਟ ਲਾਂਗੇ ਫੋਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੋਲਡਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮੋਸਾ ਰੋਲ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੋਲਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਤਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮੋਸਾ ਰੋਲ ਆਪਣੇ ਫਰਾਈ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੋ ਬਚੇ ਆ ਰੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਲ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਸਾ ਰੋਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲ ਲਿਆ, ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਸਮੋਸਾ ਰੋਲ ਆਪਣੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ, ਕੁਰਕਰਾ, ਕਰਾਰਾ, ਚਟਪਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਸਮੋਸਾ ਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਫਲੇਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।